नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया फार्मिंग दुनिया को आपण मानको स्वागत करुचे। आज वीडियो रे चासी भाई माने जानिपरिबे बीन चाष केमिति करा जाय, केउ समय रे लगाइले भलो अमल करा जाय परिबो। वीडियो टिको आरंभ करबा पूर्वरु सब्सक्राइब करिनंतु ओडिया फार्मिंग दुनिया को एवं पाखरे आसुतिबा बेल आइकन टिको प्रेस करिनंतु। बीन को फरासी सिम्बो बा फ्रेंच बीन मध्य कहा जाए। आम राज्य में यह विशेष भाव में चाष करा जाय थाए। एहार चेरे भातुड़ी थिबारु वायुमंडलीय जबखार विभोधन यह विशेष साहाज्य करिथाय। एहाकु खाद्य रूप में व्यवहार करा जाए। एहार चाष प्रथमे दक्षिण तथा केन्द्रीय अमेरिका रे आरंभ होइथिला बोली अनुमान करा जाए। बीन रे शतकड़ा 91.4% जलीय अंश थाए। एहा छोड़ा शतकड़ा 1.7% पृष्ठसार, 1.8% तंतुजातीय पदार्थ, 0.5% खनिज लवण एवं 4.5% श्वेतसार रहिथिबार जणा जाए। एथिरे यथेष्ट चून एवं लौह मध्य रहिथाए। फ्रेंच बीन रो अनेक उन्नत किस्म रहिछि। से सब मध्यरे कंडेन्टर, पुसा पार्वती, अर्क कमल, सिलेक्शन टू, प्रीमियर, ब्लूलेक, केंटुकी वंडर आदि चाष करा जाई पारिबो। विभिन्न प्रकार माटीरे बीन चाष करा जाई पारिबो। अत्यधिक अम्लीय जमीन यह भल अमल देई नथाय। माटीर अम्लर परिमापक मूल्य 5.3 रु 6.0 मध्यरे रहिले बीन फसल पई उपयुक्त होइथाय। शीत दिने बीन चाष करा जाय। एहाकु आपण अक्टोबर नवंबर मासरे बुणीबा उचित। बुणीबा पूर्वरु भल भाबरे चाष करि माटी गुंड करि देबा आवश्यक। एक एकर जमीन लगाया पई 20 रु 25 किलोग्राम रो बिहन दरकार होइथाय। किलोग्राम पिछा 3 ग्राम थिराम किंबा 1.5 ग्राम रो भाबिस्टिन मिसाई बिहन विशोधन करिबा उचित। धाड़ी को धाड़ी 45 सेमी और गछ को गछ 20 रु 30 सेमी दूरतार मंजी लगाइबा दरकार। बिहन सहित जीवाणु कल्चर गोलाई बुणिले अधिक अमल मिलिथाय। तेब 1 क्विंटल बीन अमल होगापी प्राय 0.37 किग्रार जबखार, 0.11 किग्रा फस्फरस और 0.46 किग्रा पटास सार दरकार होता है। एकर पिछा 3 रु 4 टन सढ़ा गोबर खत बा कंपोस्ट व्यवहार करने उचित। बिहन बुणला बेले एकर पिछा आप 10 किलोग्राम जबखार, 20 किलोग्राम फस्फरस, 30 किलोग्राम पटास सार प्रयोग करने उचित। एथिपाई एकर प्रति 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फस्फेट और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पटास सहित 22 किग्रार यूरिया बा 40 किग्रा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बा 50 किग्रार अमोनियम सल्फेट मिसाई प्रयोग करने को पड़ो। यह बदल आपण एकर प्रति 44 किग्रार डीएपी, 5 किग्रार यूरिया और 50 किग्रा म्यूरेट ऑफ पटास दरकार हो। यह बदल एकर प्रति आप 50 किग्रार म्यूरेट ऑफ पटास, 63 किग्रार सिंगल सुपर फस्फेट सहित 36 किलोग्राम ग्रमर किंबा 50 किग्रार सुफल मिसाई प्रयोग करने को पड़ो। यह बदल एकर प्रति आप 63 किलोग्राम परम्प, 46 किग्रार सिंगल सुपर फस्फेट, 50 किग्रार म्यूरेट ऑफ पटास दरकार हो। यह बदल एकर प्रति 67 किग्रार श्यामला, 63 किग्रा सिंगल सुपर फस्फेट और 33 किग्रार म्यूरेट ऑफ पटास दरकार पड़ो। मंजी लगाइबार 3 सप्ताह पर जमी को खुसाई घास बाछिदे उचित। यापर गछ मूल को हुड़ा टेकिदे दरकार। यार 15 दिन पर आउ थे हुड़ा टेकिदे अधिक अमल होता है। बीन फसल खूब कम पा दरकार कै तथा मटी सुखीगले पा मड़ाइवा उचित। फुल आसवा बेले पा अभाव होगा उचित नुहे। फल हेला समय माटी जथेष बतर रहा आवश्यक। तेज कौन सी समय कियारी अधिक पा जमी रहा उचित नुहे। एथप्रति चाषी भाई मैंने निश्चिंत भाव में ध्यान देवा आवश्यक। बीन फसल जौ पोक लगभग देखा जाए। यह दमन करने एकर पिछा 400 मिलीमीटर डायमिथियट बा मिथाइल डिमेटम औषध को 200 लिटर पा सह मिसाई स्प्रे करवा उचित। छुई बिंधा पोक बीन फसल विशेष क्षति दमन करने एकर पिछा 400 मिलीमीटर मालाथियन औषध स्प्रे करने आवश्यक। पत्रचिता व पत्र दाग रोग हेले एकर पिछा 500 ग्राम ब्लाइटोकस 50 किंबा इंडोफिल M45 औषध 200 लिटर पा सह मिसाई स्प्रे करने आवश्यक। कलंकी रोग देखागले एकर पिछा 8 रु 10 किलोग्राम सल्फर बा नाग सल्फ बा क्रिस्लफ गुंड जमी में प्रयोग करने उचित। लगाइबार प्राय 75 दिन पर बीन अमल आरंभ होता है। भल भाव चाष कले एकर पिछा आप 25 रु 30 क्विंटल बीन अमल करें। चाषी मैंने चाहिए बीन र
ବିନ୍ର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫସଲକୁ ରୋଗ ପୋକ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଫସଲରେ କୌଣସି ମିଶା କିସମ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ କିସମରୁ ଅନ୍ୟ କିସମର ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ 20 meter ହେବା ଦରକାର। ବିନ୍ ଛୁଇଁଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ପାକଳ ହୋଇ ଶୁଖିଗଲେ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରାଯାଏ। 1 acre ଜମିରୁ 5-6 quintal ବିହନ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ଚାଷଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନ୍ର ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଲାଭଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।